जरा सी आदत होती है। ओह गॉड, मैं भी कितनी बड़ी भुलक करूं। फोन गाड़ी में ही भूल गई। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। शायद कोई बच्चा मुसीबत में है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रुको। बच्चे क्या हुआ? अरे भागो मत, सुनो मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी। रुको, रुक जा। वो बच्ची गई कहाँ? अभी तो यहीं थी। I'll just call you back. बचाओ! Help me! Somebody please help! बचाओ! आप ठीक हो? आप चिल्ला क्यों रही थी? Are you okay? I can help you. Excuse me. अरे, अरे सुनिए तो। अरे वेट। अरे अरे रुको तो। अरे साहिल, कहाँ था यार तू? बहुत देर हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। घर नहीं जाना है क्या? चलना यार। Okay, let's go, चल। अरे आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग भाई। यार नताशा, आप सुबह सुबह उठा दिया। साहिल, बरखुदार ये बताओ कि आधी रात तक कहाँ थे? घर वापस आने का कोई टाइम होता है या नहीं होता? लगता है हमारे नए पड़ोसी आ गए। आ जाओ, उनसे मिलने चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं आपका पड़ोसी राजेश हूँ। हाँ। यहीं पर रहता हूँ। नमस्ते अंकल। ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बेटी नताशा, और ये मेरा बेटा साहिल है, और ये मेरी बेटी आलिशा। Are you okay? I can help you. Excuse me. अरे भाई साहब, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक बता सकते हैं, क्योंकि आप नई जगह पर आए हैं तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आज का खाना आप हमारे यहाँ खाएंगे। जी प्लीज। हम आ जाएंगे आज रात को। थैंक यू। शुक्रिया। मजा आ गया भाभी जी, खाना बहुत ही अच्छा बना था। ट्रैवलिंग में कुछ थकान सी हो गई है, अब चल के सोना चाहिए। प्लीज। अलीशा बेटे। जी पापा। तुम भी जल्दी आ जाना। पापा बस आए अभी, आप चलिए। बहुत अच्छा लगा, अब आते रहिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अलीशा, मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मुझे एक फ्रेंड मिल गई। मैं तो डर ही गई थी, ये सोच के कि नए शहर में लोग कैसे होंगे, कोई फ्रेंड भी बनेगा या नहीं। डोंट वरी, अब तुम साथ में कॉलेज भी जाएंगे, साथ में घूमने भी जाएंगे। एंड यू नो व्हाट, हम सुबह जॉगिंग के लिए जाया करेंगे। तुम्हें पसंद है ये सब? या बहुत पसंद है। जॉगिंग करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर के थोड़ी दूर में ना एक जॉगिंग ट्रैक है, यू विल गो देयर। रियली? या। ये लैंडस्केप्स किसने बनाया? हाँ, मैंने बनाई। कैसी है? वाओ, आई मस्ट से तुम बहुत अच्छी पेंटर हो। आई मीन, मैं भी पेंटिंग करती हूँ, बट पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स नहीं। रियली? फिर तो तुम्हें मेरा भी पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा। श्योर, व्हाई नॉट? दैट्स ग्रेट। बट ये पेंटिंग है ना, बहुत अलग है। आई मीन, एक्चुअली ये पेंटिंग मैंने बहुत प्यार से बनाई है, बहुत मेहनत से। लकड़ी की काठी काठी में कूड़ा तोड़ेंगे तुम पे जमाना हथौड़ा। अलीशा, अलीशा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो अब? हाँ, या आई एम फाइन। ट्रैवलिंग की वजह से ना आई एम जस्ट लिटिल टायर्ड। आई विल मेक अ मूव नाउ, ओके? मैं चलती हूँ। मैं छोड़ देता हूँ घर पे। नो, दैट्स फाइन, मैं चली जाऊँगी। इट्स फाइन, आई विल ड्रॉप यू। इट्स ओके, आई विल गो, डोंट वरी। आई विल सी यू सून, ओके? बाय। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। चल आइसक्रीम खाते। ये फुटप्रिंट्स किसके हैं? लकड़ी की काठी काठी में कूड़ा तोड़ेंगे तुम पे जमाना हथौड़ा। उठा के तोड़ो। क्या बात है भाई, आज इतनी सुबह? रनिंग शूज? तुम्हें रनिंग का कब से शौक पड़ गया? तू ना अपना काम कर, समझी? चल। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा, तो अब समझे आप इतने सुबह सुबह क्यों उठे हो? अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अलीशा, हे, व्हाट्स अप? तुम यहाँ? हाँ, मैं तो रोज सुबह जॉगिंग के लिए आता हूँ यहाँ। मैराथन की तैयारी भी कर रहा हूँ ना, इसलिए। रोज भागते हो तो फिर तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही है? वो बस। फॉलो मी। अरे बस करो यार, मैं थक गया हूँ। Come on, follow me. ये तो वही घर है। अरे सोनिया पकड़ उसे, पकड़ जल्दी पकड़। क्या कर रही है सोनिया? जल्दी पकड़। मैं बच गया। पकड़ जल्दी जल्दी पकड़, बस पकड़। मैं इधर ही खड़ा हूँ। अरे पकड़ो, ये भी नहीं पकड़ पाओगे। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो बिटिया तुम? क्या चाहिए तुम्हें? आजा आजा बाग में सब मिल खेलने साथ में, जब सब होंगे साथ में तो दिन भी होगा रात में। हम सब खेले साथ में। तुम्हें ये गाना आता है? ये गाना मेरे अलावा सिर्फ 2 लोग जानते थे। आजा आजा बाग में हम सब खेले साथ में, जब सब होंगे साथ में तो दिन भी होगा रात में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गाना मैंने आज से 35 साल पहले सुना था। नहीं पता मुझे। क्या हुआ अलिशा? तुम्हें अजनबी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। चलो यहाँ से, लेट्स गो। अलिशा, ये सब क्या था? व्हाट वाज दिस? कैसे समझाओ तुम्हें साहिल? साहिल, वो घर, ये जगह, ये सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। जैसे कि मैं यहाँ पहले कभी आ चुकी हूँ। आ चुकी हो मतलब? अब देखो, तुम्हें शर्म नहीं हो यार? तो ये सब हाउ इज इट पॉसिबल? वही तो। देखो, यहाँ पर एक गार्डन है, तो आगे एक मोड़ पे एक स्कूल भी होगा। आई एम श्योर। कम देखो, मैंने कहा था ना तुमसे कि वहां पर एक स्कूल है। यहाँ बहुत साल पहले एक स्कूल हुआ करता था, लेकिन वो बंद हो गया है। लेकिन तुम कैसे? ओके लीव इट। अच्छा, तुम हंसोगे तो नहीं? अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो मैं और भाग नहीं सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आई एम वेरी टायर्ड। मैं बहुत थक गया हूँ। तो क्या हम रिक्शा ले लें? ठीक है। नताशा से कहना कि वो रेडी रहे। मैं शाम को आ जाऊंगी इसकी पोट्रेट बनाने। कूल। ओके, चलें। यार अलीशा, कितने सीरियस होकर पेंटिंग बना रही हो तुम। अच्छी पोर्ट्रेट बनाना मेरी। डोंट वरी नताशा, मैं अपने खास फ्रेंड्स की ना बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाती हूँ। इसका मतलब साहिल भैया की पोर्ट्रेट तो बहुत ही अच्छी बनेगी, है ना? ओह गॉड, प्लीज अब कुछ भी मत बोला। एक बात बताओ, तुमने जादू क्या किया मेरे भाई पे? नताशा, अब प्लीज तू कुछ मत बोल और चुप है, सीधी बह। आई एम ऑलमोस्ट डन। अलीशा, 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 what's wrong? ये कौन है? नताशा, मुझे भी नहीं पता ये कौन है। I don't know who she is। मतलब मैंने कैसे? तुमने ये पेंटिंग बनाई और तुम नहीं जानती ये कौन है? नताशा, मुझे नहीं पता ये सीरियसली ये कौन है। I Anyways, check it. Let's go for a coffee. मैडम, क्या सोच रही हो? You know what? मैं क्या सोच रही थी, आज कहीं घूमने चलते हैं। आज ना तुम्हें मैं पूरा शहर घुमाती हूँ। Not today, please. आज। अरे guys, it's a good idea. You know what? तुम लोग सिटी टूर कर लो पहले, उसके बाद जो नया रेस्टोरेंट खुला ना वहाँ चलते हैं। It's really really nice. Superb. इसी बहाने कॉलेज के सभी फ्रेंड्स से तुम्हारा इंट्रो करवा दूंगी। वैसे भी कॉलेज कुछ ही दिनों में खुलने वाला है, अच्छा होगा ना, सबसे तुम पहले ही मिल लोगी। Fine, let's go. देखो बेटा, तुम्हें पानी से डर लगता है ना, शायद इसीलिए पूल में गिरने की वजह से पैनिक अटैक आया हो। अब कैसी हो नताशा बेटी? बेटा, चलो अच्छा है। राजेश जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे वापस आने में देर हो जाएगी, मेरे पीछे प्लीज आप। पैसा आप अलीशा के बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए, मैं आपको बाहर तो छोड़ के आता हूँ। जी साहिल, इसका ख्याल रखना। जी मैम। नताशा, अगर पापा घर पे आज लेट आते हैं तो क्यों ना हम मेरे घर पे नाइट आउट करें? You know, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। Sure, मैं जरूर आऊंगी। और जब मैं बेटर फील कर रही हूँ तो आप लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। तुझे अकेला कैसे छोड़ दें? भाई, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। वैसे भी तुम दोनों को देखा था मैंने रेस्टोरेंट में, कैसे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आप दोनों जाओ, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करो। वैसे भी मैं बहन को कैसे मना कर सकता हूँ, राइट? अब तुम कहती हो तो मैं अलीशा को एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता हूँ, ऑलराइट? Here we are. वहाँ चलते हैं. Let's explore this place. Is it safe there? हाँ हाँ बिल्कुल. See? हम लोग यहाँ रिलैक्स करेंगे. एकदम शांत जगह है. तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा. अरे मैं तो सामान ही भूल गया गाड़ी में. मैं भी लेकर आता हूँ. Just relax here. ये बच्चे हैं कौन? आज तो पता लगा कर ही रहूंगी। चल सोनिया चल। बच्चों रुको। बच्चों सुनो तो सही। मजा आ रहा है। बच्चों रुको। बच्चों रुको जरा, रुको। क्या हुआ अलीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहिल, तुम रो क्यों रही हो? What happened? साहिल ये देखो। साहिल हो ना हो, ये तो लड़कियों के साथ जरूर कोई कनेक्शन है मेरा। लेकिन ये कैसा कनेक्शन है? पता है, उस रात जब मैं तुमसे मिली थी, उस रात भी मुझ पर अजीब सा अटैक किया गया था। कौन कर रहा है ये सब? मुझे 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा। Just relax. रिलैक्स, ओके? तुम्हें जो हेल्प चाहिए ना मैं करूंगा। अभी यहाँ से चलो, लेट्स गो। कम ऑन, जस्ट रिलैक्स, कम। सकता हूँ। हेलो। हाय, अब कैसी हो तुम? पहले से बेटर? तेरी तबीयत खराब है और अलीशा भी थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। तुम लोग मैनेज कर लोगे ना? डोंट वरी भाई, हम अकेले रह लेंगे। और वैसे भी मुझे अलीशा से बहुत सारी बातें करनी है। कुछ ज़रूरी काम हुआ तो मैं कॉल करूँगी। यू लीव। ओके, यू टेक केयर। ओके, गुड नाइट। सी या, बाय। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बेटर। सिट। पता है अलीशा, तुमने जिस लड़की का पोर्ट्रेट बनाया था ना, पूल पे मुझ पे अटैक करने वाली लड़की वही थी। ये लड़की कौन है? तुम इसे जानती हो क्या? नताशा, मैं नहीं जानती वो कौन है, पर आई एम श्योर उसका और मेरा जरूर कोई कनेक्शन है। लेकिन ये कैसा कनेक्शन है, ये मुझे पता लगाना है। पर कैसे? मैं तो इस लड़की को जानती तक नहीं हूँ। वो मुझसे क्या चाहती है? क्यों अटैक करना चाहती है मुझ पे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नताशा, डोंट वरी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। जस्ट डोंट वरी एट ऑल। हाँ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेके आती हूँ। ओके? नताशा, तुम नताशा? 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 बहुत चिंता हो रही है ना इसकी? पक्की दोस्त है ना तेरी? देख मैं इसका क्या हाल करती हूँ, और तेरा भी। नताशा, what's wrong with you? कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मैं 35 सालों से तड़प रही हूँ, तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं तो कई बार तेरे सामने आई, पर तुझे मैं याद ही नहीं। तुझे तो सिर्फ नताशा की चिंता है ना, मेरी नहीं। तू देख मैं ऐसे कैसे तड़पाती हूँ, जैसे मैं तड़पी थी। नहीं, just stop that, no! झूठी हो तुम, झूठी। धोखेबाज हो तुम। तुमने मुझसे वादा किया था, पर तुम झूठी निकली। डॉक्टर साहब, आप कैसी तबीयत है नताशा की? नताशा की हालत बहुत खराब है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अभी कुछ कहना मुश्किल है। सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, सब कुछ। अलीशा, अलीशा, क्या हुआ? Is everything all right? Why are you crying? पता नहीं, मैं जब से ही आई हूँ ना, कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है। Don't know what's happening. आजा आजा बाग में, सब मिल खेलने साथ में, जब सब होंगे साथ में तो दिन भी होगा रात में। तुम्हें ये गाना कैसे आता है? ये गाना मैंने आज से 35 साल पहले सुना था। साहिल, उस माली ने 35 साल पहले की बात की थी और उन पिक्चर्स पे भी 35 साल पहले की डेट है। साहिल, हम श्योर वो माली हमारी मदद कर सकता है ये मिस्ट्री सॉल्व करने में। साहिल, हमें उसके पास जाना चाहिए। तुम तो उस दिन यहाँ आई थी ना, तुम हो कौन? जब से मैं शहर में आई हूँ, कुछ बच्चे और उनकी धुंधली धुंधली यादें मुझे रह रह कर डरा रही है। वो पेंटिंग भी मुझे बार बार दिखाई देती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद ये तस्वीर देख के आपको कुछ समझ में आ जाए। ये सोनिया और रिया हैं, मेरे बचपन के दोस्त। उस दिन मैं जो गाना गुनगुना रहा था ना, उसे भी इन दोनों ने बनाया था। तुम इनके बारे में क्यों पूछ रही हो? काका, जहाँ मैं पहले कभी नहीं आई, वो जगह मुझे बार बार दिखती है, खास करके ये घर, इस घर का एक एक कोना, जैसे मैं पहले कभी यहाँ आ चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रिया का घर था। मेरे पिताजी यहाँ माली का काम करते थे। रिया और सोनिया से दोस्ती मेरी यहीं पर हुई थी। आजा आजा बाग में, हम सब खेले साथ में, जब सब होंगे साथ में तो दिन भी होगा रात में। लेकिन वो दोनों लड़कियां हैं कहाँ? कहने को तो वो दोनों दोस्त थी, लेकिन उन दोनों में प्यार सगी बहनों से भी ज्यादा था। आज से तकरीबन 25 साल पहले दोनों की मौत हो गई। सोनिया की मौत तो पहाड़ों पर ट्रैकिंग के दौरान एक एक्सीडेंट में हुई थी। उसके बाद रिया शहर छोड़ के चली गई। बाद में पता लगा कि कुछ सालों बाद वो भी चल बसी। प्लीज मेरी हेल्प करो रिया, प्लीज मुझे बचाओ। सोनिया, ये पत्थर हम दोनों का भार नहीं उठा पा रहा। सोनिया, तेरा हाथ फिसल रहा है। रिया, हमने कसम खाई थी ना कि हम साथ में रहेंगे। रिया, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। सोनिया, साहिल, वो मैं ही थी जिसने सोनिया का हाथ छोड़ दिया था। अलीशा, वो हाथ सब 25 साल पहले हुआ था, तुम तब तक पैदा भी नहीं हुई थी। What are you talking about? एक मिनट, वो ठीक कह रही है, वो तुम ही थी, तभी तुम्हें सोनिया और रिया का गाना याद है, तभी तुम्हें बार बार अपना घर याद आता है। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ आ चुकी हो। तब तुम रिया थी। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। धोखेबाज, तुमने अपना वादा तोड़ा और मुझे मरने दिया। मैं तब से तड़प रही हूँ और तुमने दूसरा जन्म भी नहीं लिया। अब तू तड़पेगी जैसे मैं तड़पी थी। तू जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तुझसे छीन लूंगी, मार डालूंगी। तेरी नई दोस्त नताशा, वो तो पहले मरेगी, फिर बारी तेरे पापा की। अलीशा, यहाँ से जल्दी चलो, चलो यहाँ से। अलीशा, अलीशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीशा रुको बेटा, अलीशा रुक जाओ बेटी। अलीशा कहाँ जा रहे हो तुम? अलीशा बेटी रुक जाओ, रुक जाओ, वहां से गिर जाओगे तुम। अलीशा सोनिया पापा को छोड़ दो प्लीज। साहिल सोनिया रुक जाओ, सोनिया प्लीज। साहिल प्लीज छोड़ दो उन्हें, प्लीज सोनिया प्लीज। पापा, साहिल मुझे माफ कर देना। सोनिया मुझे तुम्हें अकेले नहीं बनने देना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, हमेशा के लिए। रुक जाओ अलीशा। अलीशा क्या कर रही हो बेटी? अलीशा रुको। अलीशा 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 अलीशा। हमेशा हमेशा के लिए।